नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा और हर बार की तरह अंकुर जी हमारे साथ हैं। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है बिजनेस टुडे बाजार, तो हम बाजार जगत की जो शेयर मार्केट से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं आपके लिए लेकर आते हैं और कोशिश रहती है कि सबसे पहले और जो भी एक्सपर्ट का व्यू हो वो हम आपको दिखाएं। लेकिन आज जो हम चर्चा का टॉपिक लेकर आए हैं वो दरअसल क्या है कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है और ऐसे स्टॉक्स और ऐसे सेक्टर पर उन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है जो कि पिछले काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब जेफरीज को लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो सेक्टर है, ये इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा है उसको लेकर, इन स्टॉक्स को लेकर जेफरीज जो है वो बुलिश है। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं जेफरीज? सबसे पहले हर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे बैंकिंग होगा, लेकिन बैंकिंग नहीं है। अच्छा, बैंकिंग नहीं है ना? अच्छा, इस समय हर आदमी बैंकिंग की बात कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़ा टर्न अराउंड होने वाला है, लेकिन अब वो नहीं है। क्योंकि सर इस तरह के लंबे समय से ये भी बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि जैसे बैंकिंग सेक्टर ने किस तरीके से परफॉर्म किया, बहुत शानदार रहा। बेसिकली सबका अंदाजा ये है कि अब वो सेक्टर कौन सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा बुलिश ट्रिगर हो सकते हैं। देखिए, वो सेक्टर का नाम है मेटल और माइनिंग। अच्छा, मेटल और माइनिंग। हाँ, मेटल और माइनिंग में क्या हुआ है, मैं सबसे पहले मेटल की बात कर लेता हूँ। मेटल में क्या हुआ कि जो स्टील के प्राइसेस थे पूरी दुनिया में मार्च से लेके अक्टूबर तक, अच्छा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहे थे या गिरावट थी उसमें जी, या स्थिर बने हुए थे जी। लेकिन अक्टूबर में करीब 8% की तेजी आई है और यही वजह है कि जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिसमें जेफरीज भी है, उनका मेटल को लेकर नजरिया बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया है। हाँ। और उसमें बड़ी वजह बहुत सारी है, एक तो प्राइसिंग जो मैंने बताया, दूसरा डॉलर इंडेक्स में कमी है, कमी और बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आ रही है और मजबूत मांग है और एनर्जी ट्रांजिशन में जो मेटल की बढ़ती मांग है पूरी दुनिया में, ये कुछ अहम वजह है जिसकी वजह से पूरी सेक्टर की रीरेटिंग होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है सर। ये जो सेक्टर है चाइना से बहुत लिंक्ड होता है, क्योंकि कमोडिटीज की चीजें जैसे मेटल्स है वो चाइना से हम लोग बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो किस तरीके का आपको लग रहा है कि वहाँ पे स्थिति अब सुधर गई है चाइना में और इसका असर देखने को मिलेगा? बेसिकली चाइना में, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि चाइना में डिफ्लेशन है इस वक्त जी, तो सरकार वहाँ पे डिमांड क्रिएट भी कर रही है और वहाँ पे ऐसा कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड आए। अच्छा। क्योंकि इस चाइना का जो स्टील सेक्टर है वो भी अपने आप में काफी बड़ा सेक्टर है जी। तो यही वजह है कि वहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पे डिमांड पैदा हो, और यही वजह है कि चाइना का भी फायदा भारत को मिलेगा और भारतीय स्टील और माइनिंग कंपनियों को मिलेगा। क्योंकि वैसे ही चाइना में आप, हम लोगों ने आपको बहुत खबरें दिखाई कि रियल एस्टेट की स्थिति खराब है और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा मतलब योगदान के जिसमें बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल होता है और इसमें स्टील भी है। साफ तौर पर डिमांड को जनरेट करने की जो चाइना की सरकार है वो कोशिश कर रही है। अच्छा सर, अब एक तो आपने बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि माइनिंग सेक्टर से क्या स्थिति, माइनिंग सेक्टर के बारे में क्यों चुना इन लोगों ने? देखिए, एक स्टॉक्स है, अब हम बात करते हैं एक्चुअली हम चर्चा क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, चर्चा ये है कि जेफरीज की जो रिपोर्ट है जी, उसमें चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात की गई है। हमने सेक्टर पहले डिस्कस कर लिया जिसमें जो सेक्टर है हमारा वो स्टील और माइनिंग है जी। अब हम मेटल और माइनिंग है, मेटल और माइनिंग है। अब हम बात करते हैं जेफरीज ने क्या कहा। बेसिकली जेफरीज ने जो चार स्टॉक्स चुने हैं उसमें पहले नंबर पे आता है कोल इंडिया। अच्छा, कोल इंडिया पे क्या है मामला कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कोल इंडिया में काफी म्यूचुअल फंड्स की भी हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछले कुछ दिनों में, और इस वक्त भारत में जो बिजली की डिमांड है वो इस समय काफी ज्यादा है जी। और इस डिमांड का सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा कोल इंडिया को, क्योंकि कोल इंडिया के पास जो ऑर्डर बुक है और कोल इंडिया के पास जो इस समय कैपेसिटी है वो किसी और दूसरी भारतीय कंपनी के पास नहीं है। तो जेफरीज ने जो अपना प्राइस का टारगेट रखा है वो 425 रुपए रखा है, और फिलहाल इसका जो मौजूदा भाव है वो 355 रुपए है। तो माइनिंग की जो सबसे नंबर वन कंपनी है जिस पर जेफरीज ने दांव लगाया है वो कोल इंडिया है। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने माइनिंग की बात कर दी है, अपने व्यूअर्स को हम लोग साफ तौर पर बता दें। देखिए, जो कोल इंडिया है वो बेसिकली कोल प्रोवाइड करता है उन कंपनीज को जो बिजली बनाती है, और साफ तौर पर लगातार जो है आप कहें कि बिजली मंत्रालय की तरफ से या फिर पावर मिनिस्ट्री की तरफ से हम बात करें तो वो लगातार नई नई नीतियां बना रहा है ताकि इसको और जो पावर जो देश में जितने भी बिजली से जुड़े हुए या फिर थर्मल पावर की बात करें या फिर
विंड पावर के या फिर और जितने तरह के जो एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े हैं पूरा ये सेक्टर है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, साफ तौर पे इसका असर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सर मैं यहाँ पे एक बार जो कोल इंडिया है उसका मैं एक बार बता देता हूँ कि एक महीने का रिटर्न जो है वो 7.5% है और 6 महीने का यहाँ पे 57% रिटर्न है। ये ऐसे स्टॉक थे कोल इंडिया NTPC जो बहुत समय से एकदम सुस्त पड़े हुए थे लेकिन अब इनमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। देखिए 6 महीने के अंदर 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। सर अब आप बताइए सर मेटल से जुड़े स्टॉक्स के बारे में। देखिए जेफरीज ने जो मेटल के जो स्टॉक्स चुने हैं उसमें टाटा स्टील को चुना है और हिंडाल्को को चुना है और उसमें अभी बाय की रेटिंग दी है और उनके टारगेट प्राइस भी रीरेट किए हैं। ऑलरेडी जेफरीज की एक रिपोर्ट थी जिसमें बाय की बात कही गई थी लेकिन फिर से इनका रीरेटिंग की गई है। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंडाल्को की। हिंडाल्को का जो प्राइस है वो 600 रुपए से बढ़ा के 660 कर दिया है। अच्छा। और टाटा स्टील का जो प्राइस है वो 145 से 160 कर दिया है। तो कुल मिला के ये मानिए कि जो दो स्टील की मजबूत भारतीय कंपनी है टाटा स्टील और हिंडाल्को इनमें भी री रेटिंग हुई है और जेफरीज ने हिंडाल्को में जो 22% की अपसाइड का अनुमान जताया है। ठीक है। तो GSW एक GSW स्टील भी मैं उसकी भी बात भी करूंगा, एक स्टॉक्स और बात करूंगा। ये मैंने दो स्टॉक से बात की। इसके बाद बात करते हैं हम GSW स्टील की। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है जेफरीज के मुताबिक। कुछ कुछ इश्यूज हैं कंपनी के फंडामेंटल में, कुछ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन इसका टारगेट प्राइस भी 630 रुपये से बढ़ा के 700 रुपये कर दिया गया है, यानी कि इसमें भी री रेटिंग हुई है। तो ये तीन स्टॉक्स हमने स्टील के बताए जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को और GSW स्टील और एक स्टॉक हमारा कोल इंडिया माइनिंग का। तो ये चार ऐसे स्टॉक्स थे जिसपे जेफरीज की नई रिपोर्ट आई है। बेसिकली नई रिपोर्ट के बाद उन्होंने री रेटिंग की है। जी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सर ने जो नाम लिया चाहे वो GSW स्टील हो या फिर हिंडाल्को हो या फिर टाटा स्टील हो, इनमें अगर 6 महीने का रिटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न पता है किसने दिया है? सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हिंडाल्को ने, करीब करीब 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो सर इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे इस वक्त बैंकिंग सेक्टर और डिफेंस, बैंकिंग डिफेंस और रेलवे के जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी चल चुके हैं लेकिन अब जो जो ऐसे जो एरियाज हैं अभी ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर रैली बाकी है तो उसमें से मेटल और माइनिंग हो सकते हैं। बिल्कुल, मार्केट एक्सपर्ट से हम लोग दिन भर चर्चा करते रहते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है जैसे अंकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माइनिंग को लेकर और मेटल तो थीम है ही है, साथ में केमिकल सेक्टर की तरफ भी देखा जा सकता है जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये ओवरऑल लबोलुभाव था आपको समझाने के लिए कि जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है कौन से ऐसे चार स्टॉक हैं जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से बुलिश है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और साथ ही आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि हमारे जो चैनल है बिजनेस टुडे बाजार उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।